गुड मॉर्निंग, टुडे इज 15 नवंबर। आज सेमीफाइनल्स इंडिया न्यूजीलैंड और हम निकल रहे हैं हरिता वैली रिजॉर्ट से। ये है अराकू। हम उस दिन रात में कुछ नहीं देख पाए इसलिए आज दिखा रहे सुबह। इधर एक व्यू पॉइंट भी है, मैंने देखा। एक दो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, चढ़ोगे क्या? चलो चलो। ये हरिता वैली रिसोर्ट एट अराकू, ये एपी टूरिज्म आंध्र प्रदेश टूरिज्म का ही है, गवर्नमेंट का है, इसलिए मेंटेनेंस थोड़ा कम है बट है बहुत अच्छा। ये प्राइवेट सूट है, सूट और लाउंज है, और हम थे ये कॉटेज में। इस साइड इधर रिसेप्शन है और इधर रेस्टोरेंट। तो हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, बहुत ही अच्छा था। कॉफी मैंने जो सुना बहुत ही अच्छा है, मम्मी पापा ने बोला। मैंने नहीं खाया कॉफी, पिया मैंने नहीं पिया। इडली था, सांभर था, चटनी था, समोसा था, बहुत कुछ था। ये है गार्डन, इधर ही है गार्डन। ये है एक व्यू पॉइंट एट हरिता वैली रिजॉर्ट। ये रेलवे लाइन है विशाखापट्टनम और अराकू का। और ये हरिता हिल रिसोर्ट। लॉगर था, लेकिन भैया बार बार वैली भी जा तो अभी हम जा रहे हैं हरिता कॉफी हाउस। मेरे पास भी कॉफी का ही कॉफी है। और ये हरिता हिल रिसोर्ट से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है कॉफी। ये कॉटेज है ना, इधर से हम कॉफी हाउस जाएंगे फिर कॉफी खाएंगे, कॉफी को देखेंगे। ये था हरिता हिल रिसोर्ट। गाइस ये है हमारा हरिता रिजॉर्ट का गेट, वो है ट्राइबल म्यूजियम, आप देख सकते हो वो गोल वाला। और ये है कैफे, ये ट्राइबल म्यूजियम, वो गोल गोल दिखाया था ना हमने। तो ये है कॉफी म्यूजियम के गेट के सामने हम खड़े हैं अभी। ये इसका टिकट काउंटर। बहुत यहाँ पे कॉफी की सुगंध आ रही है ना रिजू, देख सकते हैं पेड़ पे कितने कॉफी लगे हुए हैं। हम
हमने कल जो कॉफी प्लांटेशन देखा ना उससे ज्यादा कॉफी लगी हुई है। ये इस गेट के अंदर अलाउड नहीं है, फोटो सब बोर्ड लगे हुए ब्लॉगर का तबीयत डाउन है। इस गेट के अंदर ये बस आप दुकान देख लीजिए कॉफी का है, और अंदर कॉफी के अलग अलग चीजें बेच रहे, पेस्ट्री केक, और अंदर एक ऐसा म्यूजियम टाइप का भी है जहाँ पे बताया कैसे कॉफी बनता है। कॉफी मशीन ब्लैक पेपर किट साइड कॉफी प्लांटेशन है और ये ब्लैक पेपर।
यूपी आ गया नहीं ये गलीकोंडा व्यू पॉइंट इनका गलीकोंडा नाम बोलिए ये आयरन ओर का माइंस है ऑलरेडी माइंस का फाइटिंग पार्टी नेक्स्ट पोल्यूटेड एरिया माइंस ओपनिंग मैग्मा ये हिल्स के ऊपर अंदर है क्या हाँ द टोटल माइंस है आयरन ओर का अनंतगिरी वाटरफॉल के पास यहाँ पे 20 rupees एंट्री फीस है ब्लॉगर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए गाड़ी में ही है ब्लॉगर हम जा रहे हैं अभी अनंतगिरी वाटरफॉल्स ये व्यू पॉइंट है वो नीचे जा सकते हो वाटरफॉल्स इधर व्यू पॉइंट है वाटरफॉल्स का देखे देखे अब नीचे जा रहे यही है अनंतगिरी वाटरफॉल्स अभी शायद बारिश का सीज़न नहीं है इसलिए पानी थोड़ा कम है यहाँ पे नहाने के लिए चेंजिंग रूम भी है सब कुछ है तो नहाना है तो प्रॉब्लम नहीं है चेंजिंग रूम है अनंतगिरी वाटरफॉल का व्यू पॉइंट ठंडा है
थोड़ा हम साइड से जा रहे हैं ये वाटरफॉल के ओरिजिन देखने। ये देख सकते ये खेत में जो पानी आता है उसी से इस वाटरफॉल का ओरिजिन है। एक सेकंड, यही ओरिजिन है अनंतगिरी वाटरफॉल का। ये यहाँ पे सामने वाटरफॉल है, खेत है ऐसे, वहाँ से पानी आ रहा है, छोटे छोटे खेत के अंदर जो स्ट्रीम है उसी से ये वाटरफॉल बन रहा है। चुके सीमाचलम टेम्पल एट विशाखापट्टनम। यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम यहीं पे गाड़ी पे छोड़ के जा रहे हैं। ये कार पार्किंग है नहीं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं सीमाचलम मंदिर से घूम के। अभी हम आ चुके हैं हमारे होटल सिंधा ग्रैंड। ये श्री कन्या थिएटर के पास है ये होटल। चल बोलो। मेरा तबीयत बहुत खराब था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। यही इधर का ये देखो। तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर। फर्स्ट फ्लोर में है फंक्शन हॉल। सेकंड फ्लोर में भी सेकंड फंक्शन हॉल है। थर्ड फ्लोर में रिसेप्शन है और रूम्स है। फोर्थ फ्लोर में भी रूम्स है। फिफ्थ फ्लोर हमारा रूम।
मेरा तबीयत खराब था इसलिए ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया जैसे कि बोला मैंने। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम में। ये हमारा रूम है, ये हो गया, हो गया, फिट हो गया। चलो चाबी हाथ में, फिर भी घर का इलेक्ट्रिसिटी चल। इसके पहले वाले वो हमारा रिजॉर्ट में भी सेम कर दिया। ये हमारा रूम है, ये है चेयर, ये है सेमीफाइनल्स देखने के लिए टीवी, ये है कबर्ड। कबर्ड कबर्ड खोलने की जरूरत नहीं, वो सबको पता है कबर्ड। बंद करो बंद करो। ये है अलमारी, अलमारी नहीं आईना। ये है बेड, बाथरूम दिखा देते। ये है बाथरूम, ये है नल, ये है इधर का लुक। ये रात को तो कुछ नहीं दिखेगा, सुबह को बहुत अच्छा दिखता है। ज़्यादा कुछ नहीं दिखता बट वो लास्ट होटल जैसा ब्लॉक नहीं है अभी। ए सी है। सब्सक्राइब टू रिजिस व्लॉग्स। Thank you.